हाय, मैं पिछले पार्ट में बताया था कि मेंबर कैसे डिफाइन करते हैं। तो इस पार्ट में है कि उसको असाइन कैसे करना है। तो सबसे पहले जो हम डिफाइन किया था उसको कॉलम, बीम और स्लैब को असाइन कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं वन स्टोरी है, इसको ऑल करना है। और एक क्विक ड्रॉ कॉलम्स है, एक क्विक ड्रॉ बीम्स है। तो क्विक ड्रॉ कॉलम्स करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को चेंज करके यहाँ पे हम लोग का कॉलम जो डिफाइन किया था सी इतना साइज है ए। तो उसके बाद इसके ड्रैग कीजिए, यहाँ पे कोडिनेट में आ गया। यहाँ पे देखिए ये सब आ रहा है। ये हो गया। अब क्विक बीम्स ड्रॉ करना है यहाँ से, शॉर्टकट से। इसमें ए फ्रेम टाइप है, प्रॉपर्टी में है, आपको बीम लेना है। तो बीम का साइज ये है, चलिए तो ये ड्रैग करना है, ड्रैग करना है। यहाँ पे ये पूरा होल है, इधर इतना ही है बीम, इसमें इसमें इतना है बीम। और हम लोग के पास यहाँ पे एक कर्व्ड बीम है, तो उसके लिए यहाँ पे हम जाएंगे। इसके सबसे पहले इसको कर दे, इसको रिप्लिकेट करना है। तो रिप्लिकेट में यहाँ पे जाके यहाँ पे जितना है इसका रेडियस ले रहे हैं आधी। तो इसका हो गया -1.448 हो गया। इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, अप्लाई करना है। यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया। और अब इसको बीम ड्रॉ करना है। तो ये क्विक ड्रॉ से नहीं होगा, ये स्ट्रेट सिर्फ कंटिन्यूस होता है, इसे पॉइंट वाइज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लाइन टाइप है, यहाँ पे बीम प्रॉपर्टी लेना है, बीम है तो बीम का साइज। यहाँ पे मोमेंट रिलीज है, यहाँ पे ड्राइंग टाइप्स है, यहाँ पे ये 3 आर्क कर्व है, ये लेना आर्क 3 कर्व 3 पॉइंट्स के लिए। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट टेस्ट करना है इसको। ये हो गया, स्किप कर देना है। अब इसको है, इसको डिलीट कर देना है, इस सेट को जो रिप्लिकेट किया था। तो यहाँ ये डिलीट का सिंबल है, डिलीट कर दिया, इतना रहेगा। ये बीम कॉलम असाइन हो गया। अब इसको स्लैब डालते, तो ये क्विक स्लैब है। ठीक, क्विक के लिए ये आउटर नहीं कर सकते, ये कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट लेना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेक है, तो हम लोग जो साइन किया था मेंबर डिफाइन किया था स्लैब 150 थिकनेस का, तो ये लेना है यहाँ से। इसको छोड़ दिया, इसमें स्टेयर केस है और टॉयलेट बाथरूम है, वॉशरूम है, तो इसलिए छोड़ दिया इसको। और ये है ना, एक कर्व के लिए ये क्विक नहीं होता, ए होता है ड्रो ड्रो। इसके लिए स्लैब ये 3 पॉइंट को स्ट्रेट लाइन करते हैं, हम स्ट्रेट लाइन करते हैं और इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा क्लोजर करके इसको पूरा पॉइंट हो गया।
तो अब हम ये नीचे चलते हैं, ये फ्लोर वाइज है, ये स्टोरी थर्ड में था, तो यहाँ पे ये नीचे, ये बेसमेंट का है, बेसमेंट में स्लैब नहीं चाहिए, तो इसको सबसे पहले अन स्टोरी करना है और इसको डिलीट करना है। हो गया, और अब ओपन में चलते हैं। तो ये इतना हो गया, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, स्टेयर केस का करना है, जो कोऑर्डिनेट चेंज करना है। वो बहुत लोग गलती करते हैं असाइनिंग करने में भी और उसमें भी, तो ये हम दूसरे पार्ट में बताएंगे स्टेयर केस का कोऑर्डिनेट कैसे करना है। और उसमें एक पार्टीशन बीम डालना है टॉयलेट के लिए और स्टेयरकेस के लिए, तो ये अगले पार्ट में बताएंगे।